हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईईएस लाइट वीरे में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आईईएस लाइट ढूँढने के लिए सबसे पहले तो आप अपने क्रोम पर आ जाइए एंड आईईएस फ्री लाइट आप देख सकते हैं। कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद उसमें देखना है। आप यहाँ देखिए, जैसे ये फ्री है, 4.19 MB का है, बहुत ही ईजली, और इसे मैंने जैसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, वो डाउनलोड हो गया है। अब हमने जहाँ डाउनलोड किया है उसे देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है। ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपकी सारी आईईएस लाइट्स हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक लाइट है और एक साथ में उसका प्रीव्यू दिया गया है आपको इजीली देखने के लिए। दोनों के नाम सेम है, बस आईईएस जो फाइल है वो आईईएस उसके आगे लिखा पड़ा है। ठीक है, तो अब हम इनमें से कोई लाइट, कई लाइटें चूज़ करेंगे और उन्हें देखेंगे और उनका इफ़ेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी फाइल है। अभी हम अगर देखें, अगर मैं अपना एसेट मैनेजर ओपन करके सेटिंग पे जाऊं और लगभग सारी चीज़ें ठीक हैं और मैं इसे रेंडर करता हूं एक। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूं और एक रेंडर करते हैं हम जल्दी से, ताकि हमें आइडिया लगे कि एक्चुअल में हमारे उसमें अभी क्या लाइट की कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइट है। अभी जो सनलाइट या हमारी जो भी डोम लाइट है उससे लाइट आ रही है एंड अंदर के आर्टिफिशियल लाइट कोई सी भी नहीं है। ठीक है, तो वही आज हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेनली तो आईईएस लाइट देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हम एमएससी लाइट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, तो साथ के साथ उसे भी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो सर उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अपने मटेरियल में जाना है और यहाँ जाके न्यू मटेरियल एंड एमएससी लाइट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एमएससी लाइट है और इसे फुल कर देना है इसकी इंटेंसिटी, और उसे सिंपल इसे आपको जहाँ भी अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है यहाँ और यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट है तो दोनों में एक ही साथ अप्लाई हो जाएगा। राइट क्लिक करके अप्लाई सिलेक्शन किया मैंने। ठीक है, और साथ में जो ये हमारे लाइट्स हैं इन्हें भी हम सेम अप्लाई कर लेंगे। राइट क्लिक किया मैंने, ये देखिए एमएससी को ही राइट क्लिक किया मैंने एंड अप्लाई सिलेक्शन किया। ठीक है, तो अब देखिए 8 नंबर पे गए हम, अपने सीन पे आए, फाइल को सेव करते रहें एंड रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब लाइट्स जलने लगी हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका इफ़ेक्ट नहीं आता है नीचे। ठीक है, आप अगर ध्यान दें तो इनके इफ़ेक्ट नहीं आते। अगर मैं इसे पूरा रेंडर होने दूं ताकि हम कंपेयर कर सकें, तो आप देख सकते हैं कि ये रेंडर हो चुका है। उसके बाद अगर मैं डोम लाइट को सिर्फ हटाऊं, बंद कर दूं, अगर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डोम लाइट बंद करने के बाद इसकी सिर्फ इतनी ही लाइटें हैं। ठीक है, ये देखिए सेल्फ इल्यूजन लाइट ही हमारा एमएससी लाइट है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपना आईईएस लाइट डालेंगे और उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। ठीक है, और हम कंपेयर भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो अभी आईईएस लाइट हम कहाँ से ला सकते हैं, आप यहाँ देखिए, ये हमारा आईईएस लाइट है। ठीक है,
ये हमारा आपको वी रे के अंदर मिलेगा, वी रे लाइट्स में। जैसे ये देखिए, अगर मैं दोबारा से वी रे लाइट्स ओपन करता हूँ तो ये आएगा। तो यहाँ पे आपको आईएस लाइट है, और जहाँ भी हमने रखा है, जैसे डेस्कटॉप के अंदर हमारा ये है और इसके अंदर हमारे सारे आईएस लाइट थे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में वो कैसा दिख रहा है, तो मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आईएस लाइट ही ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं, साथ में मैंने आईएस लाइट भी आपके ओपन कर ली है, और हम यहाँ से भी आईएस लाइट को जब हम देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें इसमें कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरीके की लाइटें हैं, जो ऊपर भी देखिए, यहाँ से ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ जो है इस तरीके से भी हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके लिए ये लाइट लेते हैं डिस्प्ले को, ठीक है। डिस्प्ले को क्लिक करते हैं, या फिर डिफाइंड स्पॉट को। डिफाइन स्पॉट हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, डिफाइन स्पॉट कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं डिफाइन स्पॉट ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे और भी तरीके के हैं डिफाइन के नाम से, लेकिन डिफाइन स्पॉट हमें देखनी है। डिफाइन आई स्पॉट ये है, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल ओपन किया, और हमें जहाँ भी लाइट लगी है वहाँ पे इसे रखना है। और रखने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपकी एक्चुअल लाइट है उससे थोड़ा सा दूर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हल्का सा दूर है, बिल्कुल उसमें चिपका हुआ नहीं है। अगर चिपका हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, कई बार लाइट्स नहीं जलती हैं, ठीक है। या फिर आप इसे उठा के डायरेक्ट इसके अंदर भी रख सकते हो ऐसे। ठीक है, और सेम उसे अलग करना है, तो थोड़ा दूर रखा। कंपोनेंट के अंदर डालने से ये देखिए एक ही बार में सारी जगहों पे आ गया है, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे भी करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हर जगह पे वो लाइट लग गई है। और उसके बाद आपको एसेट मैनेजर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे जाके आप इसे ऑन कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो शेप है पॉइंट की जगह फ्रॉम आईईएस को चूज़ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको। मैं 20,000 कर देता हूँ। ये इंटेंसिटी आपको अपने हिसाब से देखनी चाहिए। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन। एंड एक जल्दी से रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा दोबारा रेंडर हो गया है। अगर मैं अब यहाँ पे आपको आईएएस ये जो हमारा है, अगर इसे बंद करके दिखाऊं, तो अब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आईएएस लाइट कितना ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल एमएसिव लाइट था, या सेल्फ इल्यूजन लाइट कहिए, उसके बगैर आप देख सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। और जो इफ़ेक्ट हमने एक्चुअल में देखा था यहाँ पर, उसे भी आप यहाँ पर साथ में देख सकते हैं। जो ये एरिया है बिल्कुल, वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। हालांकि ये दीवार से ज़्यादा दूर है, इसलिए ये नहीं दिख रहा। मैं अगली रेंडर में क्या करता हूँ, इसे थोड़ा दीवार के पास ले जाता हूँ, ताकि ये साफ़ दिखे, ठीक है। ठीक है, तो मैं दोनों लाइटों को, पीछे वालों को, थोड़ा दीवार के नज़दीक ले जाता हूँ, ताकि इसका इफ़ेक्ट साफ दिखे, ठीक है।
तो ठीक है, एंटर करते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा रेंडर हो चुका है। तो पहले और अब में अब फर्क देख सकते हैं। साफ जो हमारा यहाँ पे है, जो ये शेडो है एडजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और क्लियरली आप देख सकते हैं क्योंकि वॉल थोड़ी और आगे थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना IES लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।